हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है जिससे 40 मीटर दूर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। उस टावर के ऊपर एक क्या है, वाटर टैंक है, तो उस वाटर टैंक के टॉप से हम जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री। फाइंड नंबर वन द हाइट ऑफ द टावर एंड सेकेंड द डेप्थ ऑफ द टावर। इसमें दो चीज फाइंड करना, पहला तो हाइट ऑफ द टावर और उस टावर के ऊपर जो टैंक है उस टैंक का डेप्थ यानी कि हाइट ऑफ द टैंक भी निकालना है। तो सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। तो इस फिगर में यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेन, यहाँ पे दिख रहा है BC। तो BC क्या है, टावर है। BC क्या है, हाइट ऑफ द टावर। एंड CD क्या है, हाइट ऑफ द टैंक या फिर डेप्थ ऑफ द टैंक। तो टावर के ऊपर क्या है, टैंक लगा हुआ है। तो जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री वो बन रहा था टावर के टॉप से। तो टावर क्या है, BC। तो BC C क्या हो गया, टॉप ऑफ द टावर। तो इस C से जो A के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 30 डिग्री। और इसके ऊपर क्या, टैंक, टैंक क्या हुआ, CD। तो D क्या हो गया, टॉप ऑफ द टैंक। टावर के ऊपर जो टैंक है उसका टॉप हो गया। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो है 45 डिग्री। इसके बाद आगे देखते हैं, तो BC और CD क्या, टावर और वाटर टैंक। इसके बाद गिवन में जो दिया हुआ था AB क्या दिया हुआ था, 40 मीटर, 40 मीटर अवे, यानी ये AB क्या दिया हुआ है, 40 मीटर। एंगल BAC 30 एंड BAD 45 फिगर में देख सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रेंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्रेंगल। इस बड़े वाले ट्रेंगल में हम देखते हैं, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का काम कौन करेगा, थीटा ये, तो P कौन होगा, ये वाला। तो P हो गया BD एंड AB क्या हो गया, बेस। तो ये वाला साइड P का काम करेगा, नीचे वाला बेस का काम। तो क्या हो गया, BD/AB। उसके बाद 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 एंड BD का VD एंड AB क्या दिया हुआ है गिवन में, 40। तो यहाँ से BD क्या आ गया, BD इज इक्वल टू 40 मीटर। तो यहाँ से हमने BD निकाल लिया, BD क्या आ गया, 40 मीटर। उसके बाद हम आएंगे ट्रेंगल ABC में। इन ट्रेंगल ABC ये छोटा वाला ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में थीटा क्या बन रहा है, थीटा यानी एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला P/B। तो P का काम यहाँ पे इस बार करेगा BC एंड B तो AB है ही, तो BC/AB। तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 एंड BC और AB का वैल्यू अभी 40। AB क्या, AB तो गिवन में दिया हुआ है 40 मीटर। तो यहाँ से BC निकाल लेंगे, BC इक्वल टू क्या होगा, ये BC उस साइड, आई मीन ये 40 इस साइड जाएगा। तो क्या आएगा, BC का वैल्यू 40/√3। यहाँ पे रेशनलाइज करके √3 को ऊपर कर लेंगे, तो रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 × √3 करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 40√3 और नीचे 3√3 × √3 क्या होगा, 3। तो BC इक्वल टू 40√3/3। तो ये आ गया BC इतना मीटर। अब ये जो BC हमने निकाला, ये BC क्या है, ये वाला लेंथ, और ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ से हाइट ऑफ द टावर निकल गया क्या, BC क्या निकला, 40√3/3। और 40√3 का वैल्यू पुट करेंगे 1.732 × 3। अब इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, 23.067। और ये अप्रोक्स क्या है, कितना का अप्रोक्स है, 23.1 मीटर। ये क्या है, लगभग 1 के बराबर आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद जो 67 है। तो ये क्या है, लगभग 0.1 हो सकता है। तो ये क्या हो गया, 23.1 अप्रोक्स। तो ये हाइट ऑफ द टावर आ गया। दूसरा निकालना था डेप्थ ऑफ द टैंक। तो टैंक का डेप्थ देखते हैं। तो टैंक का डेप्थ यहाँ पे जैसे कि फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे था ए, यहाँ पे था बी एंड यहाँ पे था डी, और यहाँ पे बी नहीं सी था। तो यहाँ पे जो CD था, CD क्या था, टैंक का हाइट, और यहाँ पे B था,
फिगर देख लेते हैं। तो फिगर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है बी सी और यहाँ पे क्या है सी डी, तो हमें क्या निकालना है सी डी। तो सी डी क्या होगा, पूरा बी डी माइनस बी सी होगा, तो बी डी माइनस बी सी कर लेते हैं। तो सी डी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, एंड बी डी का वैल्यू क्या होगा 40 अभी निकाले थे, एंड बी सी का वैल्यू ऊपर निकालें ये वाला क्या है 23.1 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 16.9 मीटर। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ द टैंक या फिर बोले तो हाइट ऑफ द टैंक। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।